वैसे तो हम आए दिन किसी न किसी से भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते ही रहते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एक रहस्य बन जाती हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या कारण है। राजस्थान का किराडू शहर ऐसे ही एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। एक समय था जब यह स्थान भी आम जगहों की जैसा ही था। यहाँ पर लोग रहते थे, आजीविका के लिए प्रयत्न करते थे, वह स्वयं के लिए मौजूद सुख सुविधाओं में भरपूर आनंद उठाते थे। लेकिन क्या कारण है कि आज के युग में जब विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि परलौकिक कथाएं स्वयं अपना अस्तित्व खो चुकी है, तब भी लोग रात के समय राजस्थान के ऐतिहासिक किराडू मंदिर में नहीं जाते। कहते हैं इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। करीब 9 साल पहले जब परमार राजवंश यहाँ राज करता था, तब इस शहर में एक बहुत ज्ञानी साधु रहने आए थे। जब वह साधु देश पर भ्रमण करने निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया। साधु के पीछे उनके सारे शिष्य बीमार हो गए। बस एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी देखभाल नहीं की। साधु ने कहा कि जिस स्थान पर दया भाव नहीं है वहां मानव जाति को भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण नगर वासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी, साधु ने उसे शाम होने से पहले वहां से जाने को कहा और यह भी सचेत कर दिया कि पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कुम्हारिन ने पीछे मुड़कर देख लिया और वह भी पत्थर की बन गई। इस श्राप के बाद अगर शहर में शाम ढलने के बाद कोई भी रहता है तो वह पत्थर का बन जाता है। यह श्राप इतना असरदार है कि जो स्थान स्वयं ऐतिहासिक महत्व रखता है वहाँ ना कोई शोध की जाती है और ना ही इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोई ही प्रयास होता है। अब यह कोई अफवाह है या हकीकत, लेकिन यह स्थान अब दिन में इतना भयावह दिखता है कि यहाँ रात को भी कोई आने की हिम्मत नहीं करता।